नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कंप्यूटर का उपयोग करते समय एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑफिस के कार्य, निजी कार्य या शोध को पूरा करने में यूज़र की सहायता करते हैं। वे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें एक आम कंप्यूटर यूज़र कंप्यूटर पर देखता है और उनका उपयोग करता है। कुछ प्रमुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आदि। आइए अब हम कुछ प्रमुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा उनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। पर्सनल प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस। पर्सनल प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन प्रोग्राम विभिन्न यूज़र की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इनकी कई उप श्रेणियाँ होती हैं। आमतौर पर पर्सनल प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और डेटाबेस प्रोग्राम शामिल हैं। इंटरनेट एप्लीकेशनों में वेब ब्राउज़र और इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोग्राम भी पर्सनल प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम की श्रेणी में आते हैं। मल्टीमीडिया या ग्राफिक एप्लीकेशन का उपयोग डेस्कटॉप पब्लिकेशन में होता है, साथ ही इसके द्वारा फोटो और ग्राफिक्स की एडिटिंग भी की जाती है। पर्सनल और एजुकेशनल एप्लीकेशन में पर्सनल फाइनेंस प्रोग्राम, टेक्स्ट प्रिपरेशन प्रोग्राम, रेफरेंस सॉफ्टवेयर और गेमिंग सॉफ्टवेयर शामिल हैं। ये पर्सनल प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर स्टैंड अलोन प्रोग्राम होते हैं जो कार्य करने के लिए अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं होते हैं। हालांकि ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनका इंटरफेस कॉमन है और एक दूसरे के साथ डेटा और रिसोर्सेज भी साझा करते हैं। इन एप्लीकेशंस को एक साथ सॉफ्टवेयर सूट कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कोरल वर्ड परफेक्ट ऑफिस और लोटस स्मार्ट सूट। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंट लाइफ साइकिल के आधार पर डिज़ाइन किया जाता है। डॉक्यूमेंट लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने, डॉक्यूमेंट को एडिट करने, डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने, डॉक्यूमेंट को सेव करने तथा अंत में डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी उत्पन्न करने के लिए प्रिंट करने पर आधारित है। डॉक्यूमेंट को एडिट करने से टेक्स्ट के किसी विशेष हिस्से को हटाया जा सकता है, उसे ट्रांसफ़र या फिर से टाइप किया जा सकता है और टेक्स्ट को सर्च और रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को बढ़ाता है। फॉर्मेटिंग के माध्यम से टेक्स्ट के फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट कलर, स्पेसिंग, बॉर्डर आदि को बदला जा सकता है। मेल मर्ज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह सुविधा पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से लेटर्स और रिपोर्ट्स को कस्टमाइज करना आसान बनाता है। साथ ही लिफाफे पर एड्रेस और मेलिंग लेबल पर प्रिंट करने को भी आसान बनाता है। कुछ रचनात्मक सोच के साथ मेल मर्ज का उपयोग कई नियमित कार्यों को सरल बनाने के लिए किया जा सकता है, जैसे निमंत्रण पत्र का कस्टमाइजेशन करना, फ्लायर तैयार करना, प्रमाण पत्र बनाना, फाइल फोल्डर का लेबल बनाना और नेम टैग तैयार करना। अब हम वर्क ग्रुप एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। वर्क ग्रुप एप्लीकेशन का दो या दो से अधिक यूज़र द्वारा उपयोग किया जाता है जो सामूहिक रूप से किए जाने वाले किसी कार्य को करने के लिए टीम के रूप में कार्य कर सकें। वर्क ग्रुप एप्लीकेशंस में टीम के विभिन्न सदस्यों में आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए परियोजना के विभिन्न अनुभागों के बारे में सूचना का आदान प्रदान, ग्रुप मीटिंग की शेड्यूलिंग, ग्रुप ईमेल सर्विस, कॉन्फ्रेंसिंग आदि सुविधाओं का होना आवश्यक है। वर्क ग्रुप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट और विकी। विकी का उदाहरण विकिपीडिया है।
एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा ग्राहक एवं कंपनी के कर्मचारियों से संपर्क करने के लिए किया जाता है। एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन पर की जाने वाली गतिविधियों में ऑर्डर की एंट्री करना, बिलिंग, पेरोल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और सामान्य रिपोर्टिंग से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर के प्रमुख उदाहरण में पीपलसॉफ्ट शामिल है, जो कि कंपनी के संचालन के लिए ज़रूरी सभी एप्लीकेशंस का एक पूरा पैकेज है, जिसका उपयोग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा रिकॉर्ड मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, कोर्स मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट आदि के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कुछ एप्लीकेशंस का विशेष रूप से कंपनी में उपयोग के लिए कंपनी के द्वारा खुद ही विकसित किया जाता है, जिसे इन हाउस डेवलपमेंट कहा जाता है। अन्य एप्लीकेशंस को सॉफ्टवेयर बनाने में दक्ष कंपनियों द्वारा अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से विकसित किया जाता है। कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक उदाहरण amazon.com के लिए बुकिंग ऑर्डर प्रोसेस का सॉफ्टवेयर है। इसके अतिरिक्त ऑफ द शेल्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं, जिन्हें अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से खरीदा जा सकता है। इनमें आपकी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइजेशन नहीं किया जा सकता। आइए अब हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में डेटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम को एक साधारण डेटाबेस माना जाता है, जिसे डेटा को संख्याओं, परसेंटेज आदि के रूप में मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको इस्तेमाल करने के कई लाभ हैं, जिनमें गणनाओं को मैन्युअली हल करने की रसहीन एवं गैर दिलचस्प प्रक्रिया को समाप्त करना और त्रुटि मुक्त समाधान निकालना शामिल है। यही नहीं, जब एक मान या गणना बदली जाती है तो डेटा को स्वचालित रूप से पुनः परीक्षण किया जाता है। इसके इस्तेमाल से यूज़र द्वारा डेटा की किसी एक वैल्यू को बदलकर उसके बदलने के परिणाम में आने वाले बदलाव का विश्लेषण किया जा सकता है। इसे व्हाट इफ एनालिसिस कहते हैं और यह फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में बहुत उपयोगी है। एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहा जाता है। एक सेल को उसके एड्रेस से जाना जाता है। सेल का एड्रेस को कॉलम अल्फाबेट और रो के नंबर से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए B7, यह B कॉलम का 7वां रो का इंटरसेक्शन वाला सेल है। एक सेल में निम्नलिखित फील्ड होते हैं। एक लेबल, जो स्प्रेडशीट में टेक्स्ट की जानकारी या प्रविष्टियों के शीर्षक प्रदान करता है। एक मान, जो एक वास्तविक संख्या है जिसे सेल में एंटर किया जाता है। एक प्रदर्शित वैल्यू, जो सेल में प्रदर्शित होती है। यह प्रदर्शित वैल्यू एक फॉर्मूला या एक फंक्शन को प्रदर्शित कर सकती है। अब हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। एक व्याख्यान में चित्र, फोटो और अन्य ग्राफिक्स का इस्तेमाल दर्शकों को याद रखने और प्रस्तुत किए जा रहे विषय या प्रकरण को आसानी से समझने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन कई विषयों के ओरल डिलीवरी में लोकप्रिय हो गए हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर परीक्षण उद्देश्यों के लिए भी प्रभावी है, क्योंकि कुछ विशेष विषयों को स्पष्ट करने के लिए इसमें वीडियो क्लिप्स भी शामिल की जा सकती हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सूचनाओं को बिंदु के रूप में विभिन्न पृष्ठों में प्रस्तुत करता है, जिसे हम आमतौर पर एक स्लाइड कहते हैं। एक प्रोजेक्टर के माध्यम से इसे प्रोजेक्ट और एनलार्ज किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन को इंटरनेट पर पब्लिश किया जा सकता है, साथ ही कागज पर प्रेजेंटेशन की आउटलाइन या रूपरेखा को प्रिंट भी किया जा सकता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के कई फायदे हैं, जिनमें स्लाइड्स को आसानी से अपडेट और रीअरेंज करना, स्लाइड्स में मल्टीमीडिया कंटेंट को शामिल करना, प्रेजेंटेशन को अन्य डॉक्यूमेंट्स, फाइलों और वेब रिसोर्सेज से लिंक करना शामिल है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बीच के अंतर को स्पष्ट करेंगे। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कॉपीराइट धारक के
अनन्य कानूनी अधिकार के तहत लाइसेंस प्राप्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। लाइसेंस धारक को कुछ शर्तों के तहत सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन अन्य उपयोगों से प्रतिबंधित है, जैसे सॉफ्टवेयर में संशोधन करना, सॉफ्टवेयर का आगे वितरण करना या रिवर्स इंजीनियरिंग करना। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के वितरण में इन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले कंप्यूटर की संख्या को सीमित किया जाता है और यूजर को अतिरिक्त कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से रोकता है। यह प्रतिबंध तकनीक के माध्यम से लागू किया जा सकता है, जैसे प्रोडक्ट एक्टिवेशन की, हार्डवेयर की या फिर तकनीक के इस्तेमाल से कॉपी प्रोटेक्शन। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कॉपीराइट के अधीन नहीं है और इनका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इसमें फ्री सॉफ्टवेयर, जिन्हें सॉफ्टवेयर के ओनर द्वारा लाइसेंस के तहत और अधिक स्वीकार्य शर्तों के साथ इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर श्रेणी में आते हैं। अब तक की चर्चा में हमने जाना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच के अंतर को जाना। हमने विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की चर्चा की तथा हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। हम उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। धन्यवाद।